में सबसे पहले बात ममता बनर्जी के हिंदू काट की। चुनाव आते ही ममता बनर्जी ने अपना राग बदल लिया है। ममता अब चंडी पाठ कर रही हैं, जय श्री राम के नारे से भड़कने वाली ममता अब लोगों को अपने हिंदू होने का यकीन दिलवा रही हैं। उन्होंने कहा है, मैं हिंदू की बेटी हूँ, चंडी पाठ करके ही घर से निकलती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब ममता बनर्जी ने हिंदू राग अलापा है तो कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने जबरदस्त पलटवार भी कर दिया है ममता बनर्जी के ऊपर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का ममता पर निशाना, ममता खुद को ब्राह्मण साबित करने में लगी हुई है। ये कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, खुद को हिंदुत्ववादी साबित करने में जुट गई है ममता। पहले ममता ने हिजाब पहन करके दिखाया था, अब चुनाव सामने देखते हुए ममता ने अपना रवैया बदल लिया। अधीर रंजन के आरोप लगा रहे ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम सुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पड़ती कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। तो ममता कांग्रेस के भी निशाने पर आ गई है, बीजेपी के भी, क्योंकि ममता के चंडी पाठ पर गिरिराज सिंह ने चुटकी ली है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी अब चंडी पाठ करने पर मजबूर हो गई हैं। चुनाव के चलते ममता को क्या क्या करना पड़ रहा है, ममता को समझ नहीं आ रहा मंदिर जाए या फिर मस्जिद। रोहिंग्या के साथ ममता दीदी भी अब नर्वस है। गिरिराज सिंह का बयान। वाहड़े मोदी, बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। बाहरे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। बाहरे मोदी, दीदी चुनाव जो न कराए आपको,